हेलो गाइस एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर आप लोग के स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, देखिए जो हमारा ई रिक्शा की मोटर होती है, मोटर के अंदर जो छोटा सा एक सेंसर होती है, उस सेंसर का काम क्या है, उसका यूज क्या हो, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए गाइस, अगर वो जो सेंसर खराब हो जाती है तो उसको कैसे टेस्ट करें, अगर आपका जो सेंसर नया डालने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो किस लिए होती है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा डिटेल में। आप लोगों को पूरी थ्योरी मिलेगा इस सेंसर के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो चलेगा इस वीडियो को करते शुरू। शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन उसे भी ऑल कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट ई रिक्शा वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये बैंडिंग मोटर है, इसमें अभी भी नई सेंसर डाला है। इसमें आप लोगों को सेंसर डाल के बताऊंगा इसको कैसे डालना है और किस तरीके से फिट करना है। अगर आपने सेंसर डाला है तो मोटर क्यों नहीं चलती है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो देखिए हमारा इधर पाँचों कलर होती है, ओके गाइस, तो पाँचों कलर कहाँ पर कौन सी वायर डालना है और किस तरीके से डालना है, ओके गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों को और एक चीज़ दिखाऊंगा। तो देखिए जो मोटर की सेंसर होती है ये, तो यही हमारा सेंसर बोर्ड। तो जो सेंसर बोर्ड में आपको कुछ कोड मिलेगा, तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले आपको मिलेगा पॉजिटिव आइकॉन और इधर पे मिलेगा नेगेटिव आइकॉन, मतलब है इसका जो इसमें पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव है। तो ये आसान बात है, कोई गाइस नहीं, कोई झमेले की बात नहीं, आसान बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें हो गया, और जो बस्ती हमारा तीनों पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंट में बहुत ही मुश्किल होती है जो एडजस्ट करने में, ओके गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सी कहाँ पे ऑयल डालकर इसको फिट किया जाए, और दोबारा हम मोटर के ना खोले, क्योंकि देखिए एक ही बार में ये काम हो जाएगा, ओके गाइस। तो सबसे पहले कौन सी ऑयल डालना है कहाँ पे, आप लोगों को दिखाने से पहले आप लोगों को जो सेंसर बोर्ड है वो किस तरीके से बैठती है एक्चुअली, तो कहाँ पे जो कौन सी ग्रुप पे बैठना चाहिए सेंसर बोर्ड, तो कैसे इसको बैठाया जाता है। तो सबसे पहले आपको देखिए इधर पे तीन छोटे छोटे होल दिख रहे हैं गाइस, ओके। तो तीन छोटे छोटे जो होल्ट है, और इधर पे देखिए सेंसर की जो हेड है, आप देख सकते हैं साइड जो इधर पे कट कुछ जो आइकॉन है, इधर पे देखिए दाग की तरह कट का निशान है, तो इसमें अच्छा दिखा रही है। तो इसमें देखिए, तो ये जो इस इतना सा हमारा सेंसर, जो यही हमारा सेंसर, ये जो इसका है बॉडी है, तो ये जो हमारा सेंसर ये अंदर रहेगा मोटर के अंदर, जो इस ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर रहेगा, ओके गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको इधर पे डाल देना अच्छी तरीके से। तो किस तरीके से डालना है, ओके गाइस, तो ये देखिए हम इसमें डालते हैं तो ठीक से नहीं बिठती है, तो क्या कैसे इसको बैठाना है वो आप लोगों को बताता हूँ, ओके। तो सबसे पहले आपको किसी भी तरह की एक चीज़ ले लेना है, ओके गाइस, तो इसको थोड़ा सा इधर से खींचना है और इसको हाथों से प्रेस करना है, ओके गाइस। ये हमारा बैठ गया सेंसर, इधर पर बैठ गया, और अगर आपका ये बैठती है तो ये नहीं बैठती है, तो इसको भी उसी तरह से बैठाना है। तो इधर से थोड़ा सा पुश करना है, हिलाना है, और ऊपर का पुश करना है, ओके गाइस। तो देखिए हमारा पूरी तरह से जो सेंसर है फिट हो चुकी है, मतलब देखिए जो इसका कितना अंदर गया, खोल के मैं दिखाता हूँ कितना अंदर गया, और एक बार निकल के तो देखिए कितना अंदर गया था हमारा सेंसर। उतना अंदर जाएगा तो आपका ठीक से काम करेगा सेंसर, अगर उतना अंदर नहीं जाएगा तो ठीक से काम नहीं करेगा। तो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ गाइस, तो सबसे पहले मैं सेंसर को बैठा लेता हूँ, उसका बाद में बताता हूँ, ओके। तो सबसे पहले देखिए जो ये जो बैंडिंग है ना ये मोटर का, कहीं कहीं मोटर में, किसी किसी मोटर में आपको इधर को इधर में देखने को मिलेगा, इधर में देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, ये जो कॉइल है ना ये फूला होगा, ओके गाइस, इधर पर इतना सा होगा, तो आपका सेंसर इतना सा बैठेगा और नहीं बैठेगा, तो क्या होगा, आपका मोटर ठीक से नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ये जो बैंडिंग है ना इसको हटाकर उलट देना है, ओके। तो मैं इधर पे बैठा देता हूँ, बैठाने के बाद आपको सेंसर की लॉन्गजीविटी के लिए और एक चीज़ डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी चीज़, तो इधर पे देखिए जो ये छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा कंपनी की तरफ से आती है, एक प्लास्टिक का, तो हम दे देते हैं इसमें कागज़ का, कोई बात नहीं, इसमें चलेगा। आप हो सकते तो प्लास्टिक का फिल्म पेपर यूज़ कीजिएगा, वरना आप किसी भी तरह के कागज़ का यूज़ कीजिएगा, मोटा टाइप का, ओके। तो इधर पे मैं इसको आसानी से बैठ जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं इसमें डालने में, और ये देखिए हमारा फिट हो चुकी है, ओके, कितना आसानी से हमारा बैठ गया सेंसर। सेंसर बैठाने का बाद इधर पे आपको किसी किसी सेंसर बोर्ड में आपको इधर पे सोल्ट हुआ देखने को मिलेगा, सोल्ट किया हुआ, और अगर किसी सेंसर में आपको इधर पे सोल्ट नहीं देखने को मिलेगा,
इसमें सोल्ट नहीं है तो इसमें आप ऑयल डालेंगे तो ऑयल बैठेगा नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा सा सोल्ट डाल देना है। ओके गाइस, तो मैं इधर पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाला हुआ है, तो और भी थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ। ओके, हल्का सा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं देना है। ओके, और भी कुछ सेंसर की जो ऑयल की सोल्डिंग करने में कुछ और ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये सोल्ट नहीं होगा। ये देखिए अगर कट हो चुकी है तो इसको अच्छी से निकाल कर घोस लेना, और इधर पे जो है देखिए हमारा पेस्ट इधर इसको थोड़ा थोड़ा सा करके लगा देना है, क्योंकि देखिए हमारा ऑयल आसानी से चिपक जाएगा सोल्ट से। ओके, तो मैं डाल दिया हूँ, उसका बाद देखिए हम कनेक्शन इसका करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रेड ऑयल है इसको हम पॉजिटिव में डालते हैं। ओके गाइस, तो देखिए हम इसमें पॉजिटिव में रेड ऑयल को डाला हुआ है, और उसका बाद हम इसको जो ब्लैक है इसको नेगेटिव में डालते हैं। ओके, तो इसका क्या कनेक्शन है, तो देखिए जो रेड एंड ब्लैक ये दो ऑयल है, तो ये दो ऑयल क्या करती है, जो सेंसर को ऑन करके रखती है। ओके गाइस, और जो तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट में सेंसर को खिलाती है, मतलब काम करती है। तीनों ऑयल है, तीनों ऑयल से काम करती है। तो कहाँ पे कौन सी ऑयल डालना है, तो अगर मैं अभी बता दूंगा आपको तो शायद आप कल भूल जाएंगे, तो इस तरह से मैं बताऊंगा नहीं कि आप भूल जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे पहचान ही बता दूंगा, क्योंकि देखिए आप कभी भी नहीं बोलेंगे किसको। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो देखिएगा ये वाला तो ऑयल आपको गारंटी 101% आपको मिलेगा सेंसर के अंदर। तो ये लोग क्या करना है, जो सेंसर के बीच है ना, तो सेंसर की लास्ट में जो है ना ये, तो इसमें डालना है। ओके गाइस, ये लोग को सबसे लास्ट में डालना है। ओके ओके, तो मैं लास्ट में डाल दिया हूँ ये लोग को, और उसके बाद देखिए इधर पे दो ऑयल मिलेगा, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो क्या करना है, बी को जो बी है ना उसमें ब्लू डालना है। ओके गाइस, तो बी को ब्लू में डाल दिया हूँ, और सी को ग्रीन में डालना है। ओके, तो सी को ग्रीन में कैसे डालें और बी को ब्लू में कैसे डालें, ये आपका ध्यान नहीं रहेगा, ये आप भूल जाएंगे, तो किसको इसको याद करें। ओके गाइस, तो देखिए हमारा सी में समंदर होती है, इस तरह से आप याद करना है, सी में हमारा समंदर है, तो हम सी में इसको डालते हैं, समंदर की ऑयल है, समंदर की कलर से जो ऑयल है तो इसमें डालना है। ओके गाइस, तो हम इसमें फिट कर देती है। ओके, तो देखिए हम क्या करिए, तो सबसे पहले रेड को डाला, उसका बाद जो हम ब्लैक को डाला। ओके, उसका बाद जो हमारा सी, सी का मतलब समंदर, आसान से है, इसमें कुछ और ही कोड है तो, लेकिन मैं जो आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका ध्यान रहे इसके अंदर कि हम कभी भी इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि देखिए आपका सी, आपका सोच है, आप अगर सोचते हैं कि सी में समंदर है। ओके गाइस, तो आपको इस इधर पे डालना है, सी में समंदर है मतलब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि इधर पे इस ऑयल को डालना है। ओके गाइस, और जो इसका बी में ब्लू है मतलब इसको तो आप भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए सी में समंदर, ए में येलो, ये मतलब है जो, ये जो मतलब है ना ये लास्ट में है। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसी तरह से आपको सेंसर डालना है। ओके गाइस, और उसका बाद कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो इधर पे दो कार्ड लेकर इधर पे बांध दे सकते हैं, तो आपका पास टाई लॉक है तो बहुत ही अच्छा होगा, दो टाई लॉक से इसका बांध देने से क्या होती है, आपका जो ये सेंसर है कभी इसका खुल ना जाए, इस तरह से अगर सेंसर खुल जाती है तो आपका मोटर काम नहीं करेगा। ओके गाइस, कुछ भी नहीं बोलेगा आपका मोटर, तो आपने अगर सेंसर डाल दिया, इसको बैंडिंग नहीं किया, तो आपका 2 से 4 दिन बाद इसका सेंसर खुल जाएगा, तो आपको आकर बोलेगा कैसे क्या किया मोटर के अंदर, या 2 दिन के अंदर फिर से ख़राब हो गया, इस तरह से काम नहीं करना है गाइस। एक बार करेंगे तो उसका आप गारंटी देकर काम कीजिएगा, क्योंकि काम करने से आपका अच्छा होगा। ओके गाइस, तो इसको अच्छी तरह से बांध दीजिएगा। और एक चीज़ में गलती जो बहुत सारा लोगों करती है इस सेंसर डालने में, वो गलती क्या करती है, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए गाइस, इधर पे तो टाई से बांधते ही और इधर पे डेंडाइट और कुछ भी अगर वगैरह इसमें आठा डाल देते हैं, क्योंकि देखिए ये आठा आप डाल देंगे इधर पे तो थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा बुरा भी होगा, क्योंकि देखिए सेंसर निकलने के समय बहुत ही मुश्किल होती है निकलने में। ओके गाइस, तो हम अब करते हैं इसका जो कनेक्शन, फेज कनेक्शन। देखिए इधर पे कंट्रोलर के अंदर सेंसर को किस तरीके से कनेक्शन करना है, आप जितना भी इसमें सिस्टम है ना, जितना भी इसमें सिस्टम है इसको कनेक्शन करने का, सभी सिस्टम बताऊंगा, एक ना से एक सिस्टम आपका जरूर 100% काम करेगा। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम कंट्रोलर की कनेक्शन करते हैं। ओके, आपको मार्केट में कहीं सारे सेंसर देखने मिलेगा,
कहीं पे इस टाइप का सेंसर मिलेगा, कहीं पे किसी मोटर पे इस टाइप का मिलेगा, किसी मोटर पे इस टाइप का मिलेगा। तो देखिए सारे जो सेंसर है एक ही काम होती है, आप इस सेंसर का अलग कनेक्शन, इस सेंसर का अलग कनेक्शन, इसका अलग, कुछ भी नहीं यार, सभी सेंसर का एक ही काम होती है, नया कनेक्शन नहीं करना है, कुछ अलग सा आपको इसी तरह का कनेक्शन होगा रिक्शा में, इसी तरह से आपको करना है। ओके गाइस, सबसे पहले देखिए कलर में कलर डाला है हमने, किसी भी कलर मिस्टेक नहीं किया। इधर पर भी देखिए मैंने सेम कलर डाला है, ओके गाइस सेम कलर डाला है। उसका बाद देखिए रेड ब्लैक सब कुछ सही कलर डाला है। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको इसी कलर पे टेस्ट करना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइस देखिए आप सीधा सीधा कनेक्शन करना है, सीधा सीधा कनेक्शन करने के बाद आपको इधर पे डालना है एक्सलेटर। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है इधर पे जो आपको इस तरह की जैक आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा आपका गैरेज पे शायद, तो हो सकते कोई बात नहीं, तो आप जो कन्वर्टर की जैक है ना, तो कन्वर्टर की जैक आपको काट लेना है। ओके गाइस, तो काटने के बाद इधर पे डाल देना, क्योंकि देखिए आप इस तरह के करेंगे तो आपको जो रिक्शा ऑपरेटर है, जो कहे चाहे ड्राइवर है, उसको बार बार नहीं बोल देना पड़ेगा कि घुमाओ थोड़ा घुमाओ थोड़ा, आप खुद ही इसको घुमा सकते हो। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान से देख लेना है, क्योंकि देखिए हर कंट्रोलर में एक ही जैसा सिस्टम नहीं होती है, ये जो ऑयल है ना अलग अलग होती है, तो आपको इधर पे देख लेना है, ठीक है। ओके गाइस, किसी भी कंट्रोलर में आप यूज़ करेंगे ये ठीक, तो आपको देख लेना है कि हमारा कलर सही है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी सीधा तरफ से कनेक्शन करने के बाद आपका 70% आपका चलने का मोटर चांस है। तो अगर नहीं चलती है तो आपको किस तरीके से करना है। ओके गाइस, सबसे पहले आपको येलो में येलो को ही छोड़ दीजिए और जो दूसरा ऑयल है, दो ऑयल है, इसको चेंज कर दिए। ओके, ये चेंज कर दिया, उसका बाद हम फिर से टेस्ट करेंगे, फिर से टेस्ट करती है तो फिर भी नहीं ठीक से चलती है। तो ओके गाइस, तो देखिए मोटर तो चलेगा ही हमारा, थोड़ा ज़्यादा स्पीड होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ब्रेकअप होगा, तो इसी तरह से होगा, तो ठीक से स्मूथ नहीं चलती है। तो सबसे पहले और एक चीज़ करना है, क्या करना है, तो आपको इन तीनों पॉइंट को खो लेना है। ओके गाइस, आसानी से, तो देखिए जो हमारा इस पॉइंट कलर का है ना, ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन को ग्रीन में छोड़ देना है और दूसरों को चेंज कर देना है। ओके गाइस, एक ही कलर में चेंज करना है। ओके, इस तरह का हो गया, इस तरह से नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, इसी को इसी में रखना है और ये दोनों को चेंज कर देना है। ओके गाइस, आपका आपका इस तरह से भी नहीं होती, किसी भी तरह से आप उल्टा पलटा करके भी नहीं होती है, चाहे कितना भी कर लिया हो। तो ओके गाइस, तो क्या करना है, आपको इधर पे देखना है। ओके, इधर पे आपको येलो में ही येलो को छोड़ना है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि देखिए आपका रिक्शा जो कंट्रोलर है, आपको कंट्रोलर जो रिपेयरिंग हुआ होगा तो आपका इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, और जो नया मोटर के अंदर आप सेंसर डालते हैं नया कंट्रोलर के अंदर, तो आपका इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमको आपको देखिए, ये तो मैंने सप्लाई नहीं डाला, क्योंकि देखिए सप्लाई डालेंगे हम इधर पे तो आपका तो मेरा मोटर चलने लगेगा। ओके, तो मैं चलने लगेगा इसलिए मैं से जो सेंसर की ऑयल है ना, जो कंट्रोलर की पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको मैं सप्लाई नहीं दिया। तो इस तरह से आप करना है, देखिए, क्योंकि आप इस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये शॉर्ट हो जाएगा तो आपका कंट्रोलर जल सकती है, ज़्यादातर 95% जल सकती है। ओके, तो आप इस तरह से कर लेना, येलो को येलो में छोड़कर इन दोनों को चेंज करना, इन दोनों को जब आप चेंज करेंगे तो इसमें भी येलो को येलो में छोड़ना है और इन दोनों को चेंज कर देना है, तो सभी को एक बार ट्राई कर लेना है। ओके गाइस, तो फिर भी नहीं चल रहा है तो आपका ये 100% चलेगा, तो किस तरीके से इसको इसमें छोड़ना है। ओके गाइस, आपको इसको और एक मिनट गाइस, मैं बताता हूँ कौन सी किसको डालना है, क्योंकि देखिए हमारा इसमें 100% वर्क करती है, जो जितने भी टायर के है मैं बताया हूँ, तो इसमें अगर किसी भी तरह की काम नहीं होती है, मोटर ठीक से नहीं चलती है, तो इस तरह से 100% काम होती है। ओके गाइस, तो इसमें इसमें कर देना है, येलो को चेंज कर देना है और इसमें भी इसको डाल देना है। इस तरह से डाल दिया आप,
तो अगर इसमें भी यही कनेक्शन करना है, इसको इसमें सेम रखना है और ये दोनों को चेंज करना है। आप किसी भी तरह से कर लिया है तो किसी भी तरह से नहीं चलती है। ओके गाइस, तो क्या करना है आपको, दूसरा मोटर डालकर देखना पड़ेगा। ओके, दूसरा मोटर भी नहीं चल रही है तो आपका कंट्रोलर 100% ख़राब है। अगर आपका दूसरा मोटर चल रहा है तो ये नहीं चल रहा है तो आपका मोटर का जो कॉइल है ना इधर पे, जो कॉइल अंदर होती है, अंदर से ही शॉर्ट हो गया। आपको दिखने में सही लगेगा, बिल्कुल सही, लेकिन अंदर से शॉर्ट हो गया। तो अगर आपका बाहर में जो मोटर है ना, बाहर में बिल्कुल सही चल रही है। ओके, तो बाहर में बिल्कुल सही चल रही है और उसका अंदर जो डालते हैं मोटर, मतलब रिक्शा की गियर बॉक्स में सेट करते हैं, तो नहीं चलती है। तो किस लिए नहीं चलती है आप लोगों को एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा और इसके बारे में भी पूरी डिटेल में बताऊंगा। आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हे गाइस, अगर वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और आप अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि इसके बारे में और लोगों को पता चले। तो मिलते हैं हम किसी अच्छी वीडियो के लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।